हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारे पास एक टॉपिक होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वही टॉपिक चल रहा है जो हमारे लास्ट वीडियो में छोड़ा था, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो देखो, आज के वीडियो में हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी। उसके बाद जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, तो वो देखेंगे हम आगे। तो अब हम करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो देखो, इसमें डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में होता है, डेरिवेटिव का मतलब अवकलन। तो देखो, किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t), किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है f/s हो जाएगा, है ना, इतना तो पता ही है। फिर उसका क्या करेंगे हम, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो मैं देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं f(t) को, मतलब कि d/dt को क्या लिख सकता हूं मैं, f' इस तरह से लिख सकता हूं। और ये t का फंक्शन है, इधर f(t) है, तो इधर मैं f'(t) लिख सकता हूं। तो उसका क्या क्या ले लिया मैंने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या होता है, देखो हमारे पास s f/s - f0 ये होता है। तो ये आपको बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है ना, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको बहुत ही यूज होने वाला है, तो इसको आप जरूर याद रखना, भूलना नहीं है इसको, ना। अब देखो आगे, अब हमें पता ही f/s है, जो क्या है f/s, हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t), ये लिख दिया f/s की जगह -f0। और यहां पर f0 क्या होते हैं हमारे पास, लिमिट t→0 और f(t) ये होता है। इसका कोई खास रोल नहीं है, ऐसे ये प्रूफ नहीं पूछा जाता आपको, तो बस फॉर्मूले याद रखना है जो मैंने बता दी। अब देखो आगे, हमारे पास ये क्वेश्चन रहा कि सॉरी अगली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म f(t) f/s होता है, हमें पता है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल का मतलब होता है समाकलन, तो 0 से t f(t) एंड dt इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है किसी का, तो f/s / s होगा, ये आपको याद रखना है। अब इनका हालांकि प्रूफ पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते बताऊंगा नहीं, है ना। अब देखो हम एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, और जो इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है वो हमारे एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बता दूंगा आपको, और कन्वर्जन थ्योरम में इसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करके बता दूंगा। तो हम देखते हैं अभी तो इसके क्वेश्चन। तो देखो इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर, इतना तो पता ही होगा आपको, वी नो दैट, आप कुछ जानते नहीं जानते पर आपको इतना तो लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं, इतना तो जानती है ना कि हमें, अब इसमें देखो अलग-अलग दिख रहा है हमें sin t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या होता है मेरे पास, 1/s² + 1² तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये हो गया मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। और जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो किसके रूप में आता है, हमेशा f/s के रूप में आता है, तो f/s के बराबर हो गया। अब देखो अब आगे हो क्या रहा है, अब देखो इसको अलग अलग में डिवाइड करो। अब हमारे पास यहाँ से आगे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो क्या है कि sin t के अपॉन डिवाइड में t, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई सॉरी डिवाइडेड बाई t प्रॉपर्टी लगाएं, या फिर हम क्या करें कि e की पावर t sin t शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई t प्रॉपर्टी लगाए। तो मैं दोनों से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम डिवाइडेड बाई t प्रॉपर्टी, है ना, डिवाइडेड बाई t प्रॉपर्टी इससे करते हैं। डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी में क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। तो डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब इंटीग्रल सॉरी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी में क्या होता था, उनका डिफरेंशिएशन हो जाता था, और डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। और कहां से कहां तक होता है, लिमिट एस टू इंफिनिटी याद रखना है, ना कि जीरो टू इंफिनिटी याद रखना है, एस टू इंफिनिटी, है ना। अब देखो मैंने ये सारी प्रॉपर्टी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे वीडियो को, वो तो वहां जाके एक बार जरूर देख लेना आपको अच्छे से, फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ना। तो इसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम, f/s ये रहा, तो इस f/s को यहाँ लिख देंगे पूरे को 1/s² + 1, एंड इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ds के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास होता है 10th 12th में पढ़ा होगा आपने अच्छे से इस तरह के फॉर्मूले। तो देखो मैं इसको यहां करके बताता हूं कि 1/x² + a² तो क्या होता है, ये dx इक्वल टू tan इनवर्स x ये होता है ना, और प्लस c, ये इसमें लिमिट नहीं है तो c लगा दिया ही, तो ये होता है ना। तो देखो इसमें भी यही हो रहा है, 1/s² + 1, a की जगह 1 है ना, बस सिंपल सा ही है। तो ये लिख दिया मैंने, अब इस पर लगा दिए हम लिमिट, s टू इंफिनिटी हमारी हो गई लिमिट। तो देखो अपर लिमिट में क्या है,
टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट में क्या है टेन इनवर्स एस, तो अपर लिमिट टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, टेन इन्फिनिटी कब होगा पाई बाई टू पर होगा, टेन का मान पाई बाई टू होगा तो कितना होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी होगा। अरे यहाँ आपने त्रिकोणमिति तो पढ़े होंगे छोटे छोटे, इनको भी बताने की क्यों चीज़ होती है कि फ्रेंड्स यार, और ये टेन इनवर्स एस। अब देखो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया यहाँ से, वो मैं बता देता हूँ ये काम का है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास पाई बाई टू होता है, सॉरी इधर क्या आएगा कॉट इनवर्स एक्स, मतलब कि ये एक्स का फलन होगा दोनों, ये होता है। तो अब मेरे पास देखो इस तरह का बनाना है, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स होगा नहीं होगा, देखो आप मैंने क्या किया इस टेन इनवर्स को उधर ले गए तो पाई बाई टू माइनस टेन कॉट इनवर्स एक्स आ गया, तो इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, पूरे को यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कॉट इनवर्स एस लिख दिया मैंने, है ना लिख दिया, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक तो सॉल्व। अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, अब हम क्या करेंगे उसके बाद ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो बाई बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो भाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी, सॉरी ओनली t है ना, लाप्लास e की पावर t साइन t अपॉन में t, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में तो पता होगा आपको कि हम e की पावर ए टी से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें f बार s आया, मतलब कि ये भी तो f बार s ही हुआ हमारा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t अपॉन t का ये क्या हुआ f बार s हुआ, है ना, तो ये f बार s को क्या करूंगा मैं, s को किससे रिप्लेस कर दूंगा s माइनस a से, तो a की जगह यहाँ पर क्या है t के गुणांक में वन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास cot इनवर्स s माइनस वन ये हो जाएगा, है ना। अब देखो ये हो गया और लास्ट में हमारे पास बचा है, अब इस तरह से प्रोसेस फॉलो करोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब देखो आगे करेंगे हम, उसके बाद में करेंगे y y इंट्रीगल इंट्रीगल प्रॉपर्टी, इंट्रीगल प्रॉपर्टी में देखो क्या होगा, अब इंट्रीगल प्रॉपर्टी में अब हमें जो भी आंसर आया इसका उसका हमें इंट्रीगल कर देना है जीरो से टी एंड ई की पावर टी साइन टी अपॉन में टी, अब इसका डी टी के रेस्पेक्ट में पूरे का इंटीग्रेशन किया है ना, फिर हमने इसका लाप्लास ले लिया। तो अब देखो अब इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास सबसे देखो ये डेफिनेशन में क्या हुआ कि एफ बार एस आया उसको ओनली एस से डिवाइड कर देना और आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इस वाले फलन का पूरा ये क्या है एफ बार एस है, तो ये एफ बार एस आया, तो ये एफ बार एस क्या आया मेरे पास कॉट इनवर्स एस माइनस वन अपॉन में एस का डिवाइड किया और आपका आंसर सॉल्व होके आ गया। तो आइए फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा आपको जरूर। तो अब देखो मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये तो आपका हो गए छोटे लेवल पर, अब देखो आप अच्छे से मतलब कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह किस तरह से सॉल्व करेंगे आप दूसरे तरीके से, तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो अब मजा आएगा आपको, आपको जरूर देखना है, तो मजा लोगे तो देखो, है ना। तो अब देखो हमने किया था इसको यहाँ से कुछ और चेंज करते हैं इसमें, हम यहाँ पर ही लगाते हैं इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यहीं पर सेकेंड स्टेप में, देखो यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, अब हम लगाएंगे यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो वाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो हमने यहीं पर लगा दी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई तो देखो इधर क्या हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t एंड साइन t ये हो गया। तो अब देखो अब ये आया था मेरे पास f बार s, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है जो s होता है वो s माइनस a से रिप्लेस हो जाता है e की पावर at से मल्टीप्लाई कर देते हो किसी फंक्शन को, तो यहाँ पर e की पावर में क्या है वन है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा वन अपॉन s माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा, है ना। इसको s माइनस a से रिप्लेस कर दिया बस और कुछ नहीं किया था, ये हो गया हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी तो अब उसके बाद हम डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो उसके बाद बाई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, तो उसके बाद लगा दी हमने डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगाओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर टी साइन टी अपॉन में टी, अब देखो जो भी फंक्शन आया उसमें अपॉन में टी कर दिया, तो डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी में क्या होता है जो हमने बताया अभी कि एस टू इन्फिनिटी और जो भी एफ बार एस होता है, तो अब ये वाला एफ बार एस हुआ हमारे पास आया जो, तो हम क्या करेंगे वन अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और डी एस के रेस्पेक्ट में, अब इसका इंटीग्रेशन वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर वाला है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स एस माइनस वन का
टेन इनवर्स एस माइनस वन ये आया, उसका नहीं आएगा क्योंकि वो x की जगह पे क्या है s माइनस वन है, तो ये फॉर्मूले से आ जाएगा। अब वही देखो, अब ये टेन इनवर्स s है तो ये इस वाले फॉर्मूले से वही पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स s, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स s माइनस वन, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे ना अभी, तो s टू इन्फिनिटी, देखो अब यहाँ से हमने लिमिट लगाई तो क्या आया मेरे पास, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस माइनस वन, तो यहाँ से ये आया है ना, तो यहाँ से ये आएगा तो क्या होगा उसके बाद, देखो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस माइनस वन। तो अब तो देखो फ्रेंड्स, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो पूरे का आंसर ही क्या आ जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा ना, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एस माइनस वन, सिंपल सा, ये लो पूरा एक एक धागा धागा खोल दिया मैंने इस क्वेश्चन का। तो अब देखो कॉट इनवर्स एस आ गया, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन है ना, अब उसके बाद करना क्या है, ये तो हो गया यहाँ तक, अब आंसर लाने के लिए आगे क्या करेंगे, अब देखो पूरा क्वेश्चन हो गया, अब वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर रहा हूं मैं इधर इस क्वेश्चन को, तो बाई बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से टी ई की पावर टी साइन टी एंड डिवाइडेड में टी, ये किया है ना, और इधर डी टी भी है तो डी टी ये किया, तो ये करेंगे हम, तो ये करेंगे, देखो कॉट इनवर्स एस माइनस वन तो आ गया, तो ये क्या है हमारे पास एफ बार एस ही तो आया, जो आया जो, अब ये एफ बार एस आया तो इसको क्या किया मैंने, कॉट इनवर्स एस माइनस वन को इस एस से डिवाइड कर देंगे और क्या आ जाएगा, देखो ये आंसर भी सेम, ये आंसर भी सेम, तो दोनों दोनों चोर चोर मोसेरे भाई, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये समझ में आएगा, और बड़ा ही शानदार वीडियो लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे।